हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो और बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैंने अपने लिए एक फुलकारी ड्रेस स्टिच किया है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। उसका दुपट्टा आप लोगों को बहुत पसंद आया था, मैंने दुपट्टा कलेक्शन में उसे आपके साथ शेयर किया था, तो उसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इस पे वीडियो पे कि आपने कैसे स्टिच किया, आप दिखाएं। तो अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है कि स्टिचिंग दिखाने का, पर अगर आगे जाके मुझे टाइम मिला तो मैं पक्का वो वैसे वीडियोज़ भी, कटिंग और स्टिचिंग वाले भी आपके साथ शेयर करूंगी ज़रूर। पर अभी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ ताकि अगर आपको स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग आती है थोड़ी बहुत, तो आप भी अपने लिए वो स्टिच कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा ड्रेस बन के आया था। तब तो मुझे इतना अच्छे से आती भी नहीं थी, मतलब अभी भी इतना बहुत मैं प्रो नहीं हूँ स्टिचिंग में। मैं थोड़ा बहुत आइडियाज़ लगाती हूँ क्योंकि मैंने ऐसा कुछ सीखा नहीं है, प्रॉपर नहीं सीखा है बहुत सारा। तो वही आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। ये दुपट्टा जो है ये फुलकारी दुपट्टा है, जो आप मेरे दुपट्टा कलेक्शन में देख चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद जाकर उस वीडियो को देखिए, उसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे दुपट्टे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो चलिए, बहुत बड़ा इंट्रो हो जाता है रोज़ी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, थोड़ा भी यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। चलिए मोटे है ड्रेस की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको दुपट्टा ही दिखाऊंगी ताकि उसका ग्रेस आपको पता चले। तो ये ओरिजिनल जो फुलकारी दुपट्टा होता है वो है, देखिए बहुत ही प्यारा दुपट्टा है ये, जो मल्टी कलर वाला थ्रेड वाला दुपट्टा होता है वो है ये। इसकी शाइन देखिए बहुत प्यारी है। अगर आप पंजाब या अमृतसर साइड में अगर गए हुए हैं तो आपको पता होगा कि ये जो ड्रेसेस होते हैं अमृतसर में स्पेशली, वहाँ पर तो आपको स्टिच करके भी मिलते हैं, आपको सिलेक्ट करना होता है, और स्पेशली दुपट्टे जो होते हैं वो पहले लेते हैं, उसके मैचिंग का ड्रेस आप बना सकते हैं, वहाँ पर मटेरियल आपको अवेलेबल होता है। तो ये तो पूरा सेट मेरे हस्बैंड ने लेके आए थे, इसलिए उनको तो कुछ मेजरमेंट वगैरह वहाँ पता नहीं था, इसलिए वो ड्रेस ही लेकर आए थे मेरे लिए। तो मैंने खुद इसे स्टिच किया था, इसलिए मैं बता रही हूँ। पर बाद में जब मैं गई थी वहाँ पर, तो मुझे पता है कि वहाँ पर ही लेकर, क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर्स वहाँ आते हैं और जिनको पहनने का भी मन करता है, तो वो तुरंत ही आई थिंक 2 घंटे में भी आपको अगर चाहिए तो वो स्टिच कर दे देते हैं। कपड़ा आप पसंद कीजिए या फिर वो लोग भी मिक्स एंड मैच करके आपको बता देते हैं कि आपको कैसे बनाना है ड्रेस। तो ये मेनली दुपट्टों का ही खेल है, दुपट्टा मेन होता है, फिर आप उसका मैचिंग ड्रेस ले सकते हैं। पर ये तो पूरा मैचिंग ड्रेस ही था, तो मैं बता दिखाती हूँ आपको। तो ये है इसका टॉप। एक्चुअली ये पूरा ड्रेस ही आया था, कपड़ा आया था, मैंने इसको बहुत ही सिंपल रखा हुआ है, देख सकते हैं आप। इसका कुर्ता है ये, मैंने स्लीवलेस बनाया क्योंकि मुझे स्लीवलेस बहुत पसंद है, जैसे कि आपको पता होगा। तो इसीलिए मैंने बहुत ही डीप नेक, फ्रंट भी डीप है और बैक तो उससे भी डीप है, देखिए। इसीलिए उसको सपोर्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर एक DIY यूज़ किया था, देख सकते हैं, 2 डोरियों को ऐसे अटैच कर दिया है ताकि गिरे भी नहीं और हमें कंफर्टेबल भी लगे और वो स्टाइल भी अच्छा दिखे। तो ये प्लेन मतलब सिंपल कुर्ता है, पर आप देख सकते हैं ये जो कपड़ा है इसमें भी इनबिल्ट डिज़ाइन आपको दिखेगी, अगर देख सकते हैं आप। हाँ, अब आपको दिखेगी यहाँ पर इनबिल्ट डिज़ाइन है, और ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का कपड़ा है, ये ग्लेस कॉटन का कपड़ा है, इस पर शाइन भी दिखेगी आपको। तो ये स्ट्रेट कुर्ता बनाया था मैंने, और इसके साथ देख सकते हैं ये बॉर्डर की लेस मिली थी जो मैंने यहाँ पर अटैच की थी सामने में, क्योंकि इसका दुपट्टा इतना हेवी होता है इसलिए इसके ड्रेसेस जो होते हैं वो प्लेन होते हैं। कुर्ता आपको चाहिए तो पटियाला बना सकते हैं, आजकल स्कर्ट का फैशन है, स्कर्ट बना सकते हैं, प्लाजो बना सकते हैं, और मीटर के हिसाब से अगर आप लेते हैं तो आपको अपने हिसाब से आप ले लीजिए, जितना आपको चाहिए उसके हिसाब से भी मिलता है। तो ये तो कुर्ता बन गया, बहुत ही प्यारा लगता है। इसका कलर जो है वो मजेंटा है, रानी कलर, तो वो तो मेरा वैसे भी फेवरेट है, और ये पहनने के बाद बहुत प्यारा लगता है। तो ये सिंपल कुर्ता बनाया है मैंने, देखिए इस पर मैंने यहाँ पर टक्स दिए हुए हैं,
बैक पे भी दिए हुए हैं, ये देखिए, जिससे कि फिटिंग बहुत ही प्यारी आती है। अगर इसके पिक्स मिलेंगे, मैं अमृतसर में जब हम गोल्डन टेम्पल गए थे तब मैंने ये वेयर किया था, तो इसके अगर पिक्स मिलेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ये हो गया इसका कुर्ता, और इसका हाईलाइट है इसका बॉटम पार्ट, जो मैंने स्कर्ट बनाया हुआ है। ये देखिए, यहाँ से आपको दिखेगा इसकी डिज़ाइन। ये मैंने कलियों वाला स्कर्ट बनाया हुआ है, देख सकते हैं इसमें छोटी छोटी कलियाँ ली है, ज़्यादा बड़ी बड़ी कली नहीं ली है। अगर आपको दिखता है, ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे कलियों से पूरा बनाया है। और इसका घेर देखिए, कैमरे में भी नहीं आ रहा इतना इसका घेर बनाया है मैंने, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इतना घेर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप उसके हिसाब से कपड़ा ले सकते हैं, पर ये मेरे हस्बैंड ने लाया था तो भी इसमें काफ़ी निकल गया है घेर। तो मैंने ये कलियों वाला घेरदार लहंगा बनाया, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे मैंने बताया कि फुलकारी का जो दुपट्टा होता है बहुत हैवी होता है, इसलिए हम ड्रेसेस में ज़्यादा हैवी नहीं कर सकते, पर मैंने उसे हाईलाइट करने के लिए ऑलरेडी कुर्ते पे तो जो बॉर्डर थी वो मैंने वैसे ही लगा दी। कुर्ते पे यहाँ पर भी मुझे एक बॉर्डर मिली थी जो मैंने नहीं लगाई, क्योंकि मैंने नेक डीप किया था तो वो बहुत नीचे तक आता तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया, मैंने वो यूज़ नहीं किया। और इसके बॉटम के लिए मैंने, ये देखिए, एक गोल्डन सिल्वर बोल सकते हैं आप, ये वाली लेस आपको नॉर्मली किसी भी शॉप में मिल जाएगी। ये बहुत कॉस्टली भी नहीं होती है, बहुत बजट में होती है, और बहुत ही प्यारी लग रही थी, लगती है मतलब। ये अगर डाल दो तो देखिए, ये स्कर्ट एकदम पार्टी वेयर स्कर्ट बन गया, अदरवाइज ये पूरा प्लेन होता, पर इसके लगाने से बहुत ही ज़्यादा क्लासी लग रहा है, और बहुत ज़्यादा गॉडी भी नहीं लग रहा है, और बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं लग रहा है। तो बस मैंने एक ही लेस लगाई है, चौड़ी लेस है ये, थोड़ी ये चौड़ी लेस मैंने लगा दी है इसके नीचे घेरे में, बस और कुछ नहीं। पर ये इतना प्यारा बन के आया है, आप मेरे पिक्स देखोगे ना, मैं खुद ही पहनकर हैरान थी, क्योंकि इतना सुंदर लग रहा था। एक तो इसका कलर भी बहुत प्यारा है, इसलिए बहुत प्यारा लग रहा था, और ये जो कॉम्बिनेशन है फुलकारी ड्रेस का वो तो इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी अगर अमृतसर जाए तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि वहाँ से फुलकारी दुपट्टे और ड्रेस ज़रूर खरीदे, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। पर सेकेंड टाइम जब मैं गई तब मैं ले नहीं पाई थी, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हम लोग, थोड़ा सा टाइम हमारा ये हो गया था, इसलिए मैं कुछ भी शॉपिंग नहीं कर पाई। पर नेक्स्ट टाइम आशा करती हूँ कि जल्दी ही जाओ और बहुत सारी शॉपिंग करके आओ, और आपके साथ मैं पक्का वो शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे फुलकारी दुपट्टे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने आपके साथ शेयर भी किए, मेरे पास है भी और भी फुलकारी दुपट्टे, फिर भी और भी मैं लेना चाहती हूँ। तो ये हो गया मेरा स्कर्ट, ये बहुत ही सिंपल स्कर्ट है, देखिए कलिया बनाकर यहाँ पर एक बेल्ट डाल दिया है बस, और कुछ नहीं। पर इसका लुक इतना स्टाइलिश आता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, अभी ट्राई ऑन करके दिखाती हूँ तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया मेरा फुलकारी ड्रेस, मैंने बोला था कि ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये ड्रेस। तो आप बताइएगा कि ये वाला ड्रेस आपको कैसे लगा, और अगर ये आपको स्टिचिंग आती है तो ये आप आराम से सिल सकते हो, ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आगे जाके मुझे अगर हुआ टाइम मिला तो मैं पक्का आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे ड्रेसेस के लिए भी कमेंट्स आ रहे हैं कि आप सिल के दिखाए बताए, पर मैंने जैसे बताया मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, क्योंकि वो एक एक ड्रेस में मुझे एक्चुअली कमेंट आए थे, जो मॉम डॉटर वाले ड्रेसेस है या पार्टी वेयर जो ड्रेसेस है बेटियों के लिए मैंने बनाए थे उसके लिए भी कमेंट आया था, पर वो ड्रेसेस सिलने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा था, क्योंकि वो यूनिक ड्रेसेस थे। और अभी ऐसा है कि आपको पता है जो सिचुएशन बाहर चल रही है उसके हिसाब से कपड़े नहीं मिलते हैं जो चाहिए हमें, उस टाइम पे हमारे पास जो चाहिए हम जहाँ चाहिए जाकर ले सकते थे, अब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस है इसीलिए, और थोड़ा हम लोग अवॉइड भी करते हैं इसलिए अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। पर जैसे ही होगा मैं पक्का आपके साथ शेयर करूँगी, अगर जब भी कुछ बनाऊँ, मैं छोटा मोटा बनाते रहती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगी। तो ये हो गया आज का वीडियो, आप बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसे लगा और ये ड्रेस कैसे लगा। अगर आप चाहें तो आप भी ऐसा बना सकते हैं, बहुत ही क्लासी लगता है, पंजाबी ड्रेस तो सबके पास होना चाहिए फुलकारी ड्रेस। तो ये हो गया आज का वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, थोड़ा भी यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ बेल आइकन बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। चलिए पर आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।